हेलो एवरीवन, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरम 10.1 एंड 10.2, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.1। तो आज जो अपनी एक्सरसाइज 10.21 है, उसके हम प्रॉब्लम वन बाय वन सारे प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, आपके पास क्या है कि स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें हमें जस्ट ट्रू और फॉल्स बताना है। एग्जाम में आपके ट्रू एंड फॉल्स नहीं आता है, लेकिन देखिए ये जो फाइव क्वेश्चंस हैं वो आपको फाइव लॉजिक देने वाले हैं, वो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने वाले हैं। दैट्स वाई आप इनको भी प्रॉपर होमवर्क में करो डायग्राम के साथ एंड जस्टिफाई योर आंसर, राइट योर रीजन केयरफुली। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन लाइन इज ऑल्सो ऑन लाइन। The set of the point equidistance from the given line. Suppose that we have a given line, this ABA line. इनसे equidistance पे points, तो equidistance point both side हो सकते हैं, both side equidistance पे point हो सकते हैं, both side पे equidistance पे point हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगेन वो हमें क्या होगा, उसका locus क्या मिलेगा हमें, अगेन एक parallel lines होगी और उन parallel lines के जो point हैं वो इस line पे available नहीं होंगी, इनकी पॉइंट्स इस लाइन ए बी पे लाइज नहीं करते। दैट्स वाई ये क्या बना आपका, दिस इज फॉल्स। देखिए क्या है, द सेट ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन लाइन इज ऑल्सो ऑन द लाइन। तो इसका जो लोकस है इज नॉट लाइज ऑन द लाइन ए बी, इट्स अ टू पैरेलल लाइन। अपवर्ड साइड एंड डाउनवर्ड साइड में हमारे पास दो पैरेलल लाइन मिलेंगी जो हमारी गिवन लाइन के पैरेलल होंगी, तो लोकस जो मिलेगा वो आपको इस तरीके से मिलने वाला है। सेकेंड देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए सर्कल इज अ लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। यस, ये हमने अपनी लोकस की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि एक सर्टेन पॉइंट से सेट ऑफ पॉइंट्स का जो लोकस होगा, सेट ऑफ पॉइंट्स विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, देन आपको क्या मिलेगा, देन उस केस में हमें एक सर्कल मिलता है। तो ये एक सर्कल होगा डेफिनेटली, तो ये आपका है ट्रू। केस नंबर थर्ड देखिए आपके पास, थर्ड केस आपके पास क्या है, थ्री पॉइंट आर कोलिनियर ओनली वेन दे आर नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ए लाइन। सपोज दैट हमें गिवन है कि थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, इट मीन्स ये अगर हमारे पास एक लाइन है तो इस पर थ्री पॉइंट्स हैं, वन टू एंड थ्री, बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अब ये कह रहा है कि थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर ओनली वेन दे आर नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द लाइन। तो इसके जो बाकी के जो सेट एलिमेंट्स हैं वो भी इसी लाइन पे होंगे, तो ये थ्री पॉइंट्स कोलिनियर तभी होंगे, तो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर एग्जिस्टिंग व्हेन दे लाइज ऑन द लाइन। अगर वो लाइन पे मिलते हैं तभी वो कोलिनियर होंगे, अगर वो लाइन के सेट ऑफ पॉइंट्स के अगर अलग होंगे तो वो कोलिनियर होंगे ही नहीं फिर। तो आप देखते हैं कोलिनियर के लिए आपको क्या करना होगा, थ्री पॉइंट्स को इन्हीं में सेट ऑफ पॉइंट्स में से होने चाहिए या फिर वो थ्री पॉइंट्स इसी लाइन पे लाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है, द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स विल बी ए पैरेलल लाइन। तो ये जो केस है आपके पास ये फॉल्स हो गया मेरे पास, इसको मैं फॉल्स एज ए फॉल्स रिजल्ट है। फोर देखिए, द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स विल बी ए पैरेलल लाइन। टू लाइन्स से इक्विडिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो उसका लोकस हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे उसने कंडीशंस नहीं अप्लाई की, देखिए इस केस में क्या बन सकते हैं, मेरे पास मिनिमम टू कंडीशंस हो सकती हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस विल बी ए पैरेलल लाइन, तो विल बी पैरेलल कब होता, जब मेरे को टू लाइन पैरेलल गिवन होती, यानी एल और एम अगर पैरेलल होती, एल पैरेलल टू एम, उस केस में इनसे इक्विडिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट होता आपके पास, इक्विडिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट होता हमारे पास इस तरीके से, तो उस केस में जो लाइन हमें एज ए रिजल्ट मिलती वो लाइन इन दोनों लाइंस के पैरेलल लाइन होती, लेकिन ये केस उसने हमें नहीं दिया। या फिर या टू लाइन से, या टू लाइन क्या हो सकती है, टू लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से, इस तरीके से अगर वो इंटरसेक्ट करती तो उस केस में उनसे इक्वी डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता उसका जो लोकस होता, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, तो उस केस में वो एंगल बाइसेक्टर होता आपके पास। इट मीन्स ये गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये आपका फॉल्स है, आपको समझ में आया यहाँ पे। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, तो देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स, दिस इज योर थ्योरम 10.1। तो आपकी थ्योरम 10.1 है, दैट्स वाई ये होगा ट्रू। फिर भी मैं एक बार इसको आपको जस्टिफाई कर देता हूँ कि द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, टू गिवन पॉइंट है मेरे पास ए एंड बी,
इनसे इक्विडिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट होगा उनका लोकस, देखिए ये आपका इक्विडिस्टेंस पे है, ये इक्विडिस्टेंस इक्विडिस्टेंस इक्विडिस्टेंस, तो वो क्या होगा, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग दैट टू पॉइंट, तो उस स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये जो ट्रू फॉल्स हैं उसने फाइव क्वेश्चन फाइव आपको कंसेप्ट देती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास क्या है और क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यस, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, the diagonal of a quadrilateral bisect each other, prove that the given quadrilateral is a parallelogram। ये मेरे को प्रूव करना है, ये देखिए आप, तो इसको मेरे को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपके पास, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास ये है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करना है। हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने के लिए आपको फोर स्टेप में चलना होगा। फोर स्टेप क्या होंगे आपके पास, आपके पास गिवन होगा, गिवन के बाद में आपको दिखाना है टू प्रूव कि हमें प्रूव क्या करना है वो दिखाना है। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लेंगे, उसके बाद हम प्रूफ डिस्कस करेंगे और डायग्राम आपका मेंशन होना चाहिए। तो ये जो फाइव स्टेप में जो आपका पार्ट आपका चलने वाला है, इसमें हमारी प्रॉब्लम जो है वो चलने वाली है। तो द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, तो फर्स्ट आपको डायग्राम शो करना है। तो सपोज दैट ये आपके पास डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ए बी सी डी, तो ए बी सी डी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ओ पे, ये ओ पॉइंट है, बाइसेक्ट मतलब ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो सबसे पहले मेरे को प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, मुझे इसको पैरेललोग्राम शो करना है। और आप इसको पैरेललोग्राम कब कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, और यही मेरे को यहाँ पे शो करना है। तो इसकी ऑपोजिट साइड आर पैरेलल यानी ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, सिमिलरली मेरे को शो करना है ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। अगर मैं ये शो कर पाता हूँ तो दिस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हुआ आपके पास। तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन में है आपके पास गिवन, तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड डायगनल बाइसेक्ट, एंड डायगनल डायगनल बाइसेक्ट एट ओ, ओ पी जो है उसके डायगनल बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स ए ओ इक्वल टू ओ सी, सेकेंड आपके पास बी ओ इक्वल्स टू डी ओ, ये हमें गिवन है। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें देखना टू प्रूव, तो टू प्रूव वाला कंसेप्ट आपके पास क्या रहेगा, तो टू प्रूव में आपको शो करना है, टू प्रूव में अगर अपन देखें तो आपको दिखाना है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये मेरे को शो करना है। और पैरेललोग्राम के लिए क्या क्या शो करना है आपको, आपको शो करना है ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, एक तो ये केस शो करना है आपको। सेकेंड आपको शो करना है ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, ये अगर आप शो कर पाते हैं तो आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है दिस इज ए पैरेललोग्राम। इसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास, कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन है डायगनल मीट एट पॉइंट ओ, डायगनल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे जो डायगनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका प्रूफ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए प्रूफ के लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्रूफ में हमारे पास ये दो ट्राइंगल हैं, इन दो ट्राइंगल्स को लेके अगर हम कंसिडर करें तो देखिए आप स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली कंसिडरिंग ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दो ट्राइंगल है आपके पास। तो ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर अपन कंसिडर करें तो आप देख सकते हैं कि ए ओ इक्वल्स टू सी ओ,
ये हमें गिवन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये आपका गिवन है। सेकंड आप देख सकते हैं BO इक्वल्स टू DO, BO इक्वल्स टू DO इक्वेशन सेकंड, ये भी आपको गिवन है। सेकंड देखिए एंगल DOC, एंगल AOB, तो फर्स्ट अगर हम देखें AOB में तो एंगल AOB, एंगल AOB जो है वो इक्वल है एंगल DOC के, और ये क्या है आपके पास इक्वेशन थर्ड में, ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स है। आप देख सकते हैं ये जो एंगल है ये वर्टिकल ओपोजिट एंगल है, तो ये इक्वल्स है। तो आपने देखा कि इस ट्राइंगल की टू साइड्स एंड एंगल कंसिडरिंग बाई टू साइड्स जो है वो अगेन टू साइड और इनकी जो एंगल है उनकी जो इक्वल है, तो आप देख सकते हैं कि जो रूल बन गया आपके पास टू साइड सास, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल जो है आपके पास जो ट्राइंगल्स हैं कि ट्राइंगल ए, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है आपका ट्राइंगल डी ओ सी से या सी ओ डी के साथ, तो बोथ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इफ द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर इट मीन्स देयर थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो उस केस में अगर अपन देखें तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल टू डी सी, ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया, इक्वेशन नंबर फोर है वो लिख दिया आपने बाई सी पी सी टी, तो फर्स्ट केस आपके पास ये बन गया। तो बाई सी पी सी टी से हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी इक्वल टू डी सी। अच्छा अभी मेरे को इन दोनों साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है, और आप इनको पैरेलल कब प्रूव कर सकते हैं, देखिए ये आपने अपने नाइन्थ क्लास में एक प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की थी, इफ द टू लाइन आर पैरेलल, इफ द टू लाइन आर पैरेलल देन देयर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, ये सब आपने डिस्कस किया था। तो सिमिलर अगर आपको दो अल्टरनेट एंगल इक्वल है इसका कन्वर्स, थ्योरम ऑफ कन्वर्स हो जाएगा जो आपने नाइन्थ क्लास में डिस्कस किया था कि इफ द टू अल्टरनेट एंगल आर इक्वल इट मीन्स द बोथ द लाइन आर पैरेलल, तो उस केस में अगर अपन देखें तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल में देखें तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, तो आप लिख सकते हैं कि एंगल सी ओ सी डी ओ, सी डी ओ जो है सी डी ओ इक्वल टू ओ बी ए, एंगल ओ बी ए की इक्वल है, तो सी डी ओ ओ बी के ए की इक्वल है, सी डी ओ ओ बी ए की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, तो इस इट मीन्स क्या हो गया आपके पास, तो ये भी हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, ये बाई सी पी सी टी से लिख सकते हैं, और ये एंगल्स इक्वल है इट मीन्स ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, और इस तरीके से आप सिमिलरली क्या रिजल्ट दे सकते हैं, सिमिलरली सिमिलरली हम दे सकते हैं कि ए डी इक्वल्स टू, ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, और इस रिजल्ट के बाद आप लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो जो क्वाड्रिलेटरल था आपके पास ए बी सी डी वो आपका क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। तो इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को इस तरीके से आपको कंप्लीट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये जो तरीका है वो आपके सामने है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस केस में अगेन देखिए आपके पास क्या है कि व्हाट विल बी द लोकस ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है मेरे पास, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट का मीनिंग क्या है, कि इफ द सपोज एट द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, और आपको पता है कि जब भी मैं थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो वो एक ट्राइंगल बनेगा ए बी सी, वो ट्राइंगल ए बी एंड सी बनता है। जब भी आप थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी बनेगा, तो ये है आपके पास ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी, तो व्हाट विल बी द लोकस ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी, तो ए बी एंड सी से इक्विडिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसका लोकस क्या है। देखिए व्हाट विल बी द लोकस ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब देखिए थ्री नॉन कोलिनियर जो पॉइंट हैं इनसे एक ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल बनने के बाद आपने देखा कि इन थ्री पॉइंट्स का लोकस, द व्हाट विल बी द लोकस ऑफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का लोकस का मीनिंग है कि लोकस ऑफ पॉइंट विच हैव इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, तो इन तीन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा, हमें ये डिस्कस करना है, इसको हमें जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए आप, वही हमारा सॉल्यूशन का मेथड रहेगा, सबसे पहले आपने क्या किया, गिवन क्या है आपके पास, तो गिवन आपके पास क्या है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, तो आपके पास गिवन है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर, सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट, थ्री नॉन
कोलीनियर पॉइंट है हमारे पास, थ्री नॉन कोलीनियर पॉइंट है हमारे पास। यस, टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है हमें इसका लोकस फाइंड करना है। तो हमें लोकस ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। तो लोकस ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी हमें बताना है कि ए बी और सी सी का इक्विडिस्टेंस का जो लोकस है वो आपके पास क्या है, वो हमें बताना है। देखिए कंस्ट्रक्शन आपको करना है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया वो देखिए। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, जॉइन ए बी बी सी, जॉइन थ्री पॉइंट्स एंड हैव ए ट्राइंगल ए बी एंड सी। आपने क्या किया, इन थ्री पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, ए बी एंड सी को ज्वाइन किया, तो हमें एक ट्राइंगल मिलता है। अब देखिए प्रूफ में हम क्या लिखने वाले हैं, तो देखिए प्रूफ आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपके पास, कि इस केस में हमें क्या डिस्कस करना है कि हमें ए बी सी इन थ्री पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो साइड है इसकी, इन साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब आप देखेंगे कि सर जो ए बी है इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे किस तरीके से करेंगे, कि बी में मोर देन हाफ से ज़्यादा हमने आर्क ओपन किया और एक आर्क ऊपर लगाएंगे एक आर्क नीचे, इस तरीके से हमने इसमें आर्क लगाया, एक आर्क हम इधर और एक आर्क इधर लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास एक साइड बनती है। इसी तरीके से हम ए सी को बाइसेक्ट करेंगे, तो ए सी को भी मोर देन हाफ से ज़्यादा हमें इसको किया है, तो एक आर्क इधर 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 से भी ऐसे आर्क करेंगे, तो आपके पास इस तरीके से एक आर्क बनेगा। इसको भी आपने ए सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, ऐसे बी सी को बाइसेक्ट करेंगे, मोर देन हाफ ज़्यादा इसको ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ऐसे सिमिलरली इधर से आर्क डालेंगे, तो आप देखेंगे ये आपके पास इस तरीके से बनेगा। तो एक कॉमन पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे थ्री बाइसेक्टर मिलते हैं वो कॉमन पॉइंट आपका पी है। ये देखिए आप सिंपल, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने देखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी आर मीट एट पॉइंट पी। पी पे मिलते हैं। अब आपने देखा कि सर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स पी जो है वो ए से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। पी इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बी और सी से भी इक्वल है, पी सी और ए से भी इक्वल है। तो सिंपली आपने इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि पी ए इक्वल्स टू पी बी पी, क्योंकि पी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे ए और बी से, पी बी इक्वल टू पी सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, पी सी इक्वल टू पी ए, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड, मैं आपको इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरीके से आया। आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो आप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इट मीन्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो इन दोनों फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। थ्योरम 10.1 का कन्वर्स हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो थ्योरम है 10.1 एंड 2 वो आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए, कि उनको हम किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। तो थ्योरम जो 10.1 है उसका हमने कन्वर्स यहाँ पे देखा कि आपने इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस लाइन पे कोई भी जो पॉइंट पी है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, तो पी से बी और सी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो पी बी इक्वल टू पी सी, और सेम ए और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो पी ए इक्वल टू पी सी हो गया। तो इस केस में हमारे पास क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड से हम देख सकते हैं कि पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू पी सी, ये थ्री डिस्टेंस इक्वल है। तो ये जो पॉइंट पी है वो हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी, तो P जो है वो A, B, C से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उसका लोकस हमें बताना है। तो ये डिस्टेंस अगर आप इसमें क्लोज करते हैं और इसको अगर हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं, इसको जैसे ही आपने इस तरीके से रोटेट किया,
तो ये हमारे पास एक सर्कल है, तो ये हमें क्या मिला, एक सर्कल, और सर्कल कैसा, जिसमें ट्रायंगल अंदर है, इसको बन गया एक सर्कम सर्कल। तो आपने देखा कि पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, तो इक्वल है, तो ये आप देख सकते हैं कि दिस इज दीज आर पी ए इक्वल टू पी बी पी सी आर, पी ए पी बी एंड पी सी आर रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, एक सर्कल की रेडियस है, और वो सर्कल कौन सा सर्कल है, दिस इज सर्कम सर्कल। तो द लोकस ऑफ पॉइंट, द लोकस ऑफ ए बी सी, ए बी सी इज ए सर्कम सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल है आपके पास। तो आप देख सकते हैं कि वो एक सर्कम सर्कल बनता है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, जिसमें आपने तरीका, आपने यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई किस तरीके से है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, हमें हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, प्रूफ आपने किस तरीके से दिया, किस तरीके से इसको जस्टिफाई किया है, ये आपका आंसर है। तो एक कंप्लीट आंसर आप इस वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट विल बी द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स, तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंस पे पॉइंट का लोकस मेरे को फाइंड करना है। तो व्हाट विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। आप कोलिनियर पॉइंट अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले मैं डायग्राम शो कर लेता हूं। 3 कोलिनियर पॉइंट का मतलब है कि 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। तो ये आपके पास एक लाइन है ए बी, इस पे 3 पॉइंट्स है आपके पास। 3 पॉइंट्स मतलब आपके पास देख सकते हैं, एक पॉइंट है आपके पास, एक ये पॉइंट है आपके पास, एंड आपके पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है आपके पास पॉइंट। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये लाइन है L, ये लाइन L है, 3 पॉइंट्स A, ये B एंड C, ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। A, B, C 3 पॉइंट्स हैं, तो व्हाट विल बी द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स। इन 3 कोलिनियर पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका लोकस हमें बताना है। तो देखिए इस प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना है, जो उसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। तो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है 3 कोलिनियर पॉइंट्स, गिवन है ए बी एंड सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है आपके पास। गिवन के बाद टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें इसका लोकस फाइंड करना है, लोकस ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी से इक्विडिस्टेंस पे पॉइंट का लोकस मेरे को फाइंड करना है। टू प्रूव कंस्ट्रक्शन क्या है आपके पास, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है आपके पास कि कंसीडर ए बी एंड सी एट लाइन एल, किसी एल लाइन पे ए बी सी 3 पॉइंट्स हमने लिए। प्रूफ देखिए आप, प्रूफ हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो प्रूफ आप डिस्कस कर सकते हैं कि सबसे पहले देखिए 3 पॉइंट्स से एक साथ इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मैं फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास थ्योरम जो 10.1 है उसमें मैं सबसे पहले ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे मैंने कोई पॉइंट लिया, तो ये जो पॉइंट हैं वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो आपने देखा कि ये जो लाइन बनती है आपके पास, ये हमारे पास जो लाइन बनी, जो लाइन है आपके पास एम, तो ये लाइन एम जो है इस पर कोई भी जो पॉइंट होगा वो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे होगा आपके पास। तो फर्स्ट आपने देखा कि आपने इससे इक्वल डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट कंसिडर किया, तो पॉइंट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो आप देख सकते हैं कि वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो जो लाइन M है, M एक लाइन है और वो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इन दो पॉइंट से। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली आप देख सकते हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, तो बी एंड सी से भी इक्विडिस्टेंस पे अगर किसी पॉइंट का अगर अपन लोकस लेंगे तो वो भी एक आपके पास इस तरीके से लाइन बनेगी और वो लाइन होगी आपके पास n। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वो b और c से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम b एंड c इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ bc, और वो लाइन है आपके पास n। तो n जो लाइन है आपके पास वो भी आपकी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हमने देखा कि लाइन M और N जो ए बी और बी सी से इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट की दो लाइनें हमारे पास बनती हैं, वो लाइन M और लाइन N जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। लाइन M एंड लाइन N इज ए पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो नो कॉमन पॉइंट इन पैरेलल लाइन, तो आप देख सकते हैं कि सर पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इट मीन्स इस केस में इनका कोई भी लोकस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो थ्री कोलिनियर पॉइंट्स का लोकस एग्जिस्ट नहीं करता है। सो लोकस ऑफ ए बी सी इज नॉट एग्जिस्ट ए बी सी इज नॉट एग्जिस्ट तो आप देख सकते हैं कि ए बी और सी जो थ्री पॉइंट्स हैं उनका लोकस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है, देख सकते हैं कि आप किस तरीके से आपने सॉल्व किया है। तो इसी के साथ हमने ये जो फोर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वीडियो पॉज करके आप वीडियो को नोट कीजिए और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं।